अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो बाबा जी, आज का जो गेम प्ले था ना, उसके ऊपर एक सस्ती शायरी है जो हम आपको सुनाएंगे कि एक तस्वीर थी अच्छी, मैंने दीवार पे सजा दी। वाह 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 वाह, पांच बार वाह वाह करेंगे, आप भी करना साथ में। एक तस्वीर थी मेरी अच्छी, मैंने दीवार पे सजा दी। वाह 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 वाह, इस गेम में हैकर ने हमारी बैंड बजा दी। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो सब के सब लाइक बटन ठोक दो। और आज ये मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग दिखाता हूँ अपनी। मैं अपना ना थोड़ी सेटिंग चेंज कर रहा था ज़रा सी। ये मेरी सेटिंग होती है, सिक्स फिंगर खेलता हूँ गाइज में। और इस गेम में गाइज हैकर आया था और एक तो इतना टॉप का स्क्वाड वाइपर ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने देखा होगा, मैं फेसबुक पर भी लगाया था, इंस्टाग्राम पर भी लगाया था, टिकटॉक पर भी लगाया था। आप में से ज़्यादातर बंदे वो क्लच देख चुके होंगे, जिन्हें नहीं देखा वो इस वीडियो में देख लेंगे। और अच्छा स्क्वाड था गाइज, वो बहुत टॉप का स्क्वाड था, इसलिए मुझे ना खुशी भी बहुत हुई। लाइक ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ तो अक्सर 1v4 हो जाता है, लेकिन जब मुझे पता होता है ना कि सामने वाला स्क्वाड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो खुशी भी होती है। अब आपको पता है अरबी कितना अच्छा खेलते हैं, शायद यही थे जिनका प्लेन है, मुझे याद नहीं है, बट हाँ अभी मैं नाम देखा तो शायद से यही लोग थे जिनका प्लेन है। 100 RP आई थी सारी। और आज हम लोग ना गाइज क्राउन 4 कर लेंगे। जैसे आपको पता है हम लोग क्राउन 5 में चले गए थे, आज हम करेंगे क्राउन 4। और ये सर्वर है यूरोप। तो जो स्क्वाड था ना गाइज, उसके बंदों के पास ना M4 ग्लेशियर मैक्स थी। मतलब M4 ग्लेशियर मैक्स वाला स्क्वाड कैसे होते हैं आप खुद ही देख लो फिर। और जब उन्होंने मुझे मारा था तो जो वो डैमेज का इफेक्ट होता ना, वो भी अलग आ रहा था। तो मैं जा रहा था जोन में और गाड़ी मेरे पीछे लग गई, और जब गाड़ी पीछे लग रही होती है तब आपकी दिल की धड़कनें वैसे ही तेज़ हो जाती हैं, आपको वैसे थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है। वही सीन हुआ था। और वहाँ से वो निकाला ना तो इतना खुश हुआ था मैं, लाइक बहुत ज़्यादा। तो बहुत कम ऐसे स्क्वाड एप्स थे जिन पर मैं खुश हुआ था। एक वो था S12 के वाला, आपने देखा होगा घर के अंदर रश करते मैं ठाठा ठाठा कर रहा था, एक वो था। और एक ये वाला, एक था मैं एस की लॉबी यूरोप में मारा था, स्क्वाड हाउस में गाड़ी ले गया था और पीछे से सारे अरबी आ गए थे, आपने देखा ही होगा। वो वाला भी मुझे काफ़ी पसंद था। और ये वाला जो था ना, ये भी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट्स था गाइस, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग आए थे कराची यानी नोवो बाबा जी, और यहाँ पे एक स्क्वाड आ रहा है जिसमें आई थिंक रैंडम भी हैं, लाइक एक रैंडम है और 3 पाकिस्तानी हमारे भाई लोग थे। तो यहाँ पे मैं उतरा, मेरे पास सस्ती MP थी और मैं फायर किया, बट यहाँ पे आयरन साइड था ना तो मैं कुछ ज़्यादा उनको उनका उखाड़ कुछ नहीं पाया, बस वो नीचे भग गए। और फिर मैं यहाँ पे इनको मार रहा था तो पता नहीं कहाँ से नेड आया बम करके, और शुक्र है मैं अंदर आ गया था गाइस। अगर मैं वापस बाहर होता ना, यहाँ पे होता ना जहाँ भी हूँ, तो पक्का मैं नेट से फट जाता। और वो जो 6 कंटेनर्स खुले होते ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ से आकर उन्होंने नेट किया था। तो फिर हमने अपनी ज़िंदगी प्यारी समझी और चुप करके पीछे आ गया। मैंने कहा आराम से लूट करता हूँ, सुकून से मारेंगे इनको, कोई जल्दी नहीं है। अब उतरते ही मुझे गन मिली थी ना गाइस, तो उनको आइडिया हो गया था कि मतलब इजी नहीं लेना इस बंदे को। तो वो पीछे वाली साइड गए, मुझ पर रश नहीं किया और घरों में भी आ गए। अब देखो TP भी लेके देख रहा है, सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस भाई को नॉक एंड फिनिश किया, आई से बाबा जी। नॉक एंड फिनिश करने के बाद यहाँ पे इस साइड पे मैं 3 जो घर है ना, ये छोटे छोटे, यहाँ पे लूट कर रहा था। और मुझे था कि मैं अब घरों में ही फाइट लूँगा इनसे, क्योंकि ये बड़े आराम से खेल रहे थे, सब्र से खेल रहे थे गाइज, रोटेट कर रहे थे, पीछे रह रहे थे, एस पे पुश करते ना जैसे स्क्वाड वो वाला टाइप। तो अब ये बंदा पीछे भाग के आया था और मुझे आइडिया हो गया था कि वो देखो जंप करके देखा मैंने स्क्वाड हाउस का दरवाज़ा ओपन है। तो गाइज हमें पता चल चुका था कि बंदे घरों में हैं। मैं आ जाता हूँ स्क्वाड हाउस फाइट लेने, और 2 बंदे लेटे हुए हैं गाइज बालकनी में, 2 बंदे कैंपिंग लेवल देख रहे हो, तो ऐसे स्क्वाड से डर भी लगता है। पता नहीं ये बंदा फटा क्यों नहीं, बट कोई बात नहीं। फिर हमने एक और नेट निकाला, तो इस बार मैं वॉल पे मारा था। अब भी देखना गाइस, एक ही नॉक होगा गाइस, और दूसरा भी वहीं था, वो नॉक नहीं हुआ। और ये बंदा नीचे नॉक होके गिर जाता है, अभी वापस से वहाँ से नेट आएगा, लेकिन ये नेट काफ़ी दूर जा चुका था। एक बंदा इनका नॉक, एक मैंने फिनिश कर दिया, 2 बंदे और बाकी हैं। तो मुझे साउंड आता है कि लेफ्ट से कोई बंदा आ रहा है, मैंने यहाँ से देखा वाकई में आ रहा था। तो मुझे कुछ भी करके जाके उसको ना रोकना था रिवाइव देने से, क्योंकि वापस से 1v4 तो हमने होने नहीं देना। तो मैं वापस आ जाता हूँ साइड पे, और यहाँ पे हम उसको फिनिश करेंगे। मैंने डैमेज दिया लेकिन वो अंदर भाग गया, तो मैंने नॉक वाले को कर दिया फिनिश। अब गाइस 2 बंदे बचे हैं। और यहाँ पे बंदा पता नहीं पीछे कैसे आ जाता, उसने भाई गंदी M16 हमारे बम पे मारी और हमारा हमको काफ़ी डैमेज किया। अब मैं हील करूँगा, और मेरी हेल्थ जब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, रश कर देता है गाइज। इन्होंने कसम खाई हुई थी कि मुझे ना फर्स्ट एड लगाने नहीं देना। अभी DP में ज़्यादा गोली थी, M4 में कम, तो मैंने M4 निकाल के फिनिश करने का सोचा। इसका
का दूसरा टीममेट बाहर घूम रहा है, मेरी हेल्थ कम है, मुझे डर अपनी हेल्थ का है गाइस, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और फिर मैं कहा भाई मैं मरूंगा तो आपको फिनिश करके मरूंगा, इनको तो कर दिया फिनिश। बाबा जी ऐसे कैसे, बहुत कुछ हुआ तक से वापस आ गए। फिर मतलब इन्होंने ना कोई कसम खा ली थी कि अनॉनिमस भैया को हमने फर्स्ट एड लगाने नहीं देना, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे, तो आराम से फिर हमने इनकी की लूट। और फिर हमें वही बात याद आई थी कि मतलब टेंशन नहीं लिया करो, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा कच्चे के लिए होगा। आराम से इनकी लूट करेंगे और लूट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। मैंने आराम से गाइस लूट की, बड़े सुकून से निकला। जोन हमें काफ़ी दूर जाना था और मैंने इतने ज़्यादा फर्स्ट एड उठा लिए थे ना, 6-7 फर्स्ट एड उठा लिए थे, हीलिंग वगैरह उठा ली, इसको बहुत अच्छी लूट थी। और मज़े की बात, हमारे पास पिचकारी भी थी यानी फ्लेयर गन। तो इनकी लूट करने के बाद जो हमारा लॉबी है लूट का, कि व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 टैप, इस कार्ड लूट का, नो मजाक बाबा जी। बगी उठाई अपनी छिपकली और फिर हम जोन में निकले। यहाँ पे आके गाइस मुझे ना गाड़ी चेंज करनी थी और मैं काफ़ी लेट था, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि अभी यहाँ पे मुझे बंदे मिल सकते हैं। मेहरान गड्डी में अपनी मैं हील कर रहा था, फर्स्ट एड लगा रहा था, 7 फर्स्ट एड है गाइस मेरे पास, और यहाँ से गाड़ी गुजरेगी। शुक्र है एक ही बंदा था, लेकिन गाइस ये सब बंदे पूरा स्क्वाड अलग अलग गाड़ियों में जोन से बाहर ही घूम रहे हैं। मैंने इसको चेस किया और इन्हीं का एक टीममेट मुझे आगे गाड़ी चेंज करता हुआ मिलेगा। तो बेचारा थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसको समझ नहीं लगी क्योंकि मैंने गाड़ी ऐसे ठोकी और मैं फौरन से लेट गया, तो वो ढूंढ रहा था कि मैं हूँ कहाँ। तो मैं उसके बाद गाड़ी उठा के ना आगे वाले को चेस करने लगा, तो उसके बाकी दो टीममेट वापस आ रहे थे अपने टीममेट का बदला लेने। तो हमने थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की गाइज, कैसीट चेंज करके मारी, उनको आइडिया नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, समझ लगी थी तो समझ लगती देर हो गई थी। इन दोनों को फिनिश किया। अब जो आगे भाग रहा था, जिसको हमने सबसे पहले देखा था, वो वापस आता है, पत्थर पर रुकता है। मैं फर्स्ट एड लगा रहा था, मैं फौरन से उतरा क्योंकि इसके पास स्नाइपर हो सकती थी गाइज, तो मैंने एक स्मोक कर दी बचने के लिए। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसको डाउन करने का। मजे की बात, ये लो होगा क्योंकि इसको जोन का डैमेज पड़ रहा होगा ना, जैसे हमारी हेल्थ जा रही है इसकी भी कम होगी। तो बाबा जी हमने अकल इस्तेमाल करते हुए स्मोक के अंदर से हल्का हल्का नज़र आ रहा था, इसको टैप टैप करके मारा डीपी से। अब भाई की बैंड बजाई, अब आके मज़े से करेंगे भाई की लूट। लेकिन पबजी ने भी हमारे और इम्तिहान लेने थे, अभी और इश्क के इम्तिहान बाकी हैं। पता नहीं शायरी भी हमारी सस्ती शायरी है ये, इश्क के इम्तिहान बाकी हैं, पता नहीं क्या शायरी थी, बस थोड़ी थोड़ी याद है तो बोल दी, समझ जाओ बस, आगे आप समझ जाया करो। मज़े से की इनकी लूट और बूस्टर्स वगैरह मारे, जोन करीब में था बट हेल्थ काफ़ी तेज़ी से जा रही थी। और अभी भी पबजी वाले ने ना गाइस हमारे और इम्तिहान लेने थे। हमने गाड़ी चेंज की, ठीक है, फ्यूल कम था, फ्यूल मेरे पास था, बट स्किन वाली गाड़ी यूज़ करने में थोड़ा सा मज़ा आता ना, आपको भी आता होगा स्किन वाली चीज़ें यूज़ करने में, मुझे भी आता है, तो इसलिए मैंने वो वाली गाड़ी की स्किन नहीं थी वो छोड़ दी, ये वाली ले ली। और जैसे मैं थोड़ा सा आगे जाने लगा ना गाइस, इतनी गंदी ड्राइविंग है ना मेरी, बता नहीं सकता मैं आपको। ये देखो मैप खोल के बैठा हूँ, अच्छा मैप की भी गलती थी, ड्राइविंग इतनी गंदी नहीं है। तो हेल्थ मेरी इतनी ज़्यादा चली गई ना गाइस, आधी हेल्थ कम हो गई। फिर मैं उतर के हील करने लगा, और इसी दौरान जब मतलब एनिमीज़ को आपसे मिलाना होता है ना पबजी वालों ने, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। मैं हील करके जाने लगा, मुझे यहाँ दो दो गाड़ियों की आवाज़ आई थी, फिर मैं भाग लिया, मुझे कोई फायर लेने नहीं थी भाई, दो दो गाड़ियाँ, उन्होंने गाड़ी चेंज की थी, अब एक ही गाड़ी में गाइस 4 बंदे हैं ये, और ये वही अरबियों का स्क्वाड है। यहाँ मैं चुप रहता हूँ, आप देखो हमने इनकी कैसे बैंड बजाई। स्प्रे आप देख सकते हो चलती गाड़ी कितनी जल्दी उन्होंने डैमेज कर दी। तो मैं पत्थर की कवर में रुक गया, जो मुझे रुकना भी चाहिए था गाइस, और फिर मैं इनका वेट करने लगा। बाबा जी ऐसे कैसे, तो यहाँ पे हमने दोबारा से मौत कुछ हुआ टक से वापस आ गए। और गाइज आपने देखा जिस बंदे को मैंने दूसरी बार नॉक किया था ना, लाइक सेकंड नॉक किया था जिसको, उसके पास M4 ग्लेशियर मैक्स थी, उसका डैमेज इफेक्ट भी आपने देखा होगा। तो ये बहुत अच्छा स्क्वाड था, यकीन करो गाइज मुझे इतनी खुशी हुई थी ना इसको मार के। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत खुशी होती है कि मैंने स्क्वाड मारा, ये उसी में से एक था। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इमोट किया क्योंकि ये स्पेक्टेट करेंगे, हे वो पाकिस्तानी मारिंग मारिंग अकेला बंदा, हाजा हाजा अलग होंगे अरबी में। तो इनको मारने के बाद हमने इनकी की लूट। अगर मज़ा आ रहा है गाइस तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।
बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता गाइस, ठोक दो सब्सक्राइब बटन, शेयर करो, दोस्तों को बुलाओ। आए थे गाइस फ्लेयर हमारे पास थी जो हमने अभी तक चलाई नहीं थी, और अक्सर ये होता है कि मैं बंदे मारने के चक्कर में ना फ्लेयर भूल जाता हूँ। ड्रॉप भी पास में हुआ था और पक्का था कि बंदे आ सकते हैं, तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी थी। यहाँ पे एनोनिमस हाउस स्क्वाड हाउस तो है नहीं, जोन भी ऐसा बना जो बहुत कम बनता है, तो मैं डिसाइड किया कि मुझे मतलब एक गोली में रुकना चाहिए और फिर मैं इसको डैमेज दिया। अपनी अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 गोलियाँ मार के गैस कैन छोड़ दिया, 5वीं गोली लगेगी गैस कैन फट जाएगा। तो अभी एक के ज़रिए मैं नहीं रह सकता था, एक के सहारे दूसरा मैंने यहाँ पर रखा। प्लानिंग कर रहा था, पता नहीं था बंदे आएंगे नहीं आएंगे, बट अपनी को प्लानिंग करनी पड़ती है ना गाइज़। दोबारा से 4 गोलियाँ मार के इसको रख दिया, लेकिन कोई आता नहीं है। और गाइज़ मज़े की बात, इतने बड़े सर्कल में कम अलाइव है, क्राउन 4 की लॉबी है, तो इसकी वजह यह है कि इस लॉबी में आया हुआ है हैकर, और उस हैकर ने इतनी बैंड बजाई। अभी एक पाकिस्तानी स्क्वाड जिंदा है, डुओ हैकर का जिंदा है, 6 हो गए, एक मैं जिंदा हूँ, 7 नहीं शायद से पाकिस्तान के 3 बंदे हैं, एक क्योंकि एक सोलो हमें मिलेगा अभी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ गाइस, अभी गाड़ी में फ्यूल नहीं था, आप देख सकते हो मेरे पास गैस कैन थे, तो मैंने यहाँ पे साइड पे गाड़ी रोकनी है ताकि लेफ्ट से कवर हो जाए, राइट से नीचे से कोई मारेगा नहीं, इतना कोई एंगल नहीं है, तो इस एंगल में मैं गाड़ी में बैठ के कर रहा था फ्यूल। यहाँ पे मुझे राइट पे बंदा भागता हुआ नज़र आता है, काफ़ी दूर था गाइस, तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा मुझे कैसे नज़र आया वो देखो भाग रहा है। आपने आप गौर से देखा होगा तो आपको नज़र आया होगा, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ, वो भाग रहा था वहाँ पे। अगर आप गौर से देखोगे बैक करके तो आपको बड़ी स्क्रीन मतलब नॉर्मल स्क्रीन पे भी नज़र आएगा। तो फिर मैं यहाँ पे देखा तो भाई आके लेट गए, शायद से रैंक पुश कर रहे थे, फिर मैं गाँव पे गोली मारी तो उल्टा और सामने आ गई कवर में जाने के बाद। गाइस देखो कभी भी आपको इतनी दूर से गोली पड़ती है ना, या कहीं से भी पड़ती है, अभी देखो वो किल फील्ड में मार रहा है गाइस, यही हैकर है, तो कभी भी आपको पड़ती है ना तो आप देख फौरन से मैप देखा करो पड़ कहाँ से रही है, उस हिसाब से कवर में जाया करो। गाइस इसने पाकिस्तानी ये वाला पूरा स्क्वाड मार दिया, और मज़े की बात ये बंदा ना मुझे सिर्फ के सिर्फ हेडशॉट मारेगा, मेरा पूरा हेलमेट जाएगा देखना, सिर्फ हेडशॉट लगेंगे इसके, तो मैं वो आपको स्लो में भी करके दिखाऊंगा। इसने काफ़ी बंदे मारे थे और उसको बहुत ज़्यादा खींचे मारे भी इसने, देखो इतना बड़ा सर्कल है, उसने सारे बंदे खाली किए हुए हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, साउंड आता है, फायरिंग होती है, तो मैं भागता हूँ नीचे, एक नेट कर दूंगा। इनमें से एक बंदा फेयर खेल रहा होगा गाइस, एक हैकर होगा, तो ये आजकल ऐसे करते हैं ना कि ये रैंक पुश करवाते हैं। ये देखो गाइस कितनी जल्दी ले गया, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे पड़ी कैसे, मैं उसको कितना डैमेज दिया, और उसने सिर्फ हेडशॉट मारे मुझे, सिर्फ हेडशॉट, आप देख सकते हो मेरा सिर्फ हेलमेट डैमेज हुआ था। तो इस हैकर ने हमारी बैंड बजा दी, और ये पता नहीं पबजी वाले क्या कर रहे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे हैकर भी देखे गाइस, आपने भी देखे होंगे जो लाइक चीज़ें अच्छी होती हैं उनके पास, और फिर भी हैक लगा के बैठे होते, बैन ही नहीं होते। रैंक पुश कर रहा था ना गाइस, मुझे बहुत हैकर मिलते थे, तो यहाँ पे हैकर भैया ने हमारी बैंड बजा दी, और भी काफ़ी बंदों की रैंक की बैंड बजाई होगी, लेकिन हमारा हो गया डायमंड 4 सॉरी क्राउन 4, जो आप देख सकते हो गाइस। ये मैच हम खेल रहे थे 2v2 सिर्फ M24 अपने लाइक क्लैन मेंबर्स के साथ, तो वो हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वही कर रहे थे। वैसे मैं प्रैक्टिस पोस्ट नहीं करता, लेकिन आज कर रहा हूँ, M24 ओनली कर रहे थे, और इसमें मैंने इन दोनों को बड़ा पीटा, साइलेंट लोगों को, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ये लोग हमें पीटते हैं, समटाइम हम लोग इन्हें पीटते हैं, तो मतलब अच्छा खेलते हैं सब, ये लोग भी अक्सर हमें मारते हैं, लेकिन ये वाला मैच मेरा बहुत अच्छा गया था, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाना चाहिए। M24 यूज़ कर रहा था गाइस यहाँ पे मैं, जस्ट ऑम मैंने उठा रखी कि ये लोग ना उठा लें, लेकिन मैं ऑम ना यूज़ नहीं करूँगा। तो 3 की स्ट्रीक मेरी जा रही थी, और 4 हमारे किल थे, 1 किल था हमारी ओपोनेंट टीम का, तो काफ़ी मज़े के शॉट थे यहाँ पे। शुरू में मुझे नहीं आता था मज़ा, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है TDM में M24 यूज़ करने में। आप लोग करते हो, आपकी M24 जब वो क्या लेवल पे पहुंच गई है गाइस, किस लेवल में? मेरी तो अभी नहीं हुई लेवल 10। ओहो सर जी ऐसे कैसे, आप लोग बताना आपकी M24 किस लाइक कौन से लेवल पे है। मैं कम खेलता हूँ ना, मैं अरीना ज़्यादा खेलता हूँ, TDM कम खेलता हूँ, तो जो रैंक ऊपर होता है ना वो TDM से होता है। यहाँ पे 7 किल थे जिसमें 6 मेरे थे गाइस, और ये हमारे साइलेंट भैया दोबारा से गए। 7 की स्ट्रीक मेरी जा रही थी, तो मैं जो मारा मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोग को, जिसमें मारा वो भी दिखाऊंगा। काफ़ी लंबा मैच जाता है हम लोग का, वैसे अरीना जल्दी ख़त्म हो जाता है 5 मिनट में 6 मिनट में। हेल्थ गई, शायद मेरी बैंड बजने वाली है मुझे लग रहा है। गाइस अब मेरे पास ना M24 की एमओ ख़त्म हो चुकी है, और मैं ऑम ने यूज़ नहीं करना चाहता था, वो चीटिंग हो जाती, क्योंकि मैंने बोला था कि सिर्फ M24 यूज़ करेंगे, तो मैं पैन से मारा, उसके बाद मैं अपने टीममेट से एमओ लेने के लिए जाऊंगा। देखो चीटिंग नहीं कर रहा मैं यहाँ भी, मेरे को सिर्फ वो चाहिए और M24 की एमओ चाहिए, यहाँ पे ले ली और M24 से ही हम मारेंगे। 9 की स्ट्रीक जा रही थी, 10 किल हमारे थे। इससे पहले हमने खेला था M4 ओनली गाइस, देखो ये डीसिंग मारा, मतलब उसका पिंग ज़्यादा था और मैं कवर में आ गया, मैं फिर भी मर गया। मेरा पिंग ठीक आ रहा है, 132 आ रहा है, आप देख सकते हो। तो
उससे पहले हमने खेला था M4 ओनली, तो इसमें ये लोग जीत गए थे, एक किल से जीते थे। तो गाइस ये M4 वाला ना एक किल से जीत गए थे लास्ट मैच, तो इसमें हम M4 खेले थे। मैं ऐसे प्रैक्टिस करते हैं साथ में अक्सर ना वन के लिए, जब क्लासिक का दिल नहीं होता तो। और आपकी कौन कौन सी गन्ना गाइस वो हो गई हैं लेवल 10 मुझे बताना। मैंने दो ही की हैं, मैं बहुत कम खेलता हूँ TDM, एक M416 और एक ग्रोजा, ये दोनों मेरी मैक्स हो चुकी हैं, बट M24 नहीं है, वो मैं करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह जल्द करूँगा। अरे नेड कर रही हैं, हमने तो आपको देखा ही नहीं। अरे मैं साइलेंसर आया, इनको भी डाउन किया और अच्छी स्ट्रीक जा रही थी गाइस इसमें हमारी, इसमें मेरा लक बहुत अच्छा चल रहा था। तो भाव जी 15 किल हमारे हो चुके थे और कुछ ऐसा जा रहा था ये मैच जम करके। मैं काफ़ी अग्रेसिव खेल रहा था, मेरी टीममेट जो है वो काफ़ी डिफेंसिव, और ये हमारी बैंड बज गई, बम पे लगी गोली, और ये हमने अपना बदला लेना है, और ये हमने अपना बदला ले लिया। रीलोड कर लेते हैं। आइए सर जी आइए, वो बच गए, वो सर जी लेट गए, ओ सर जी ने मार दिया, ओ सर जी मर गए, ओ 6x लगा हुआ। 6x मुश्किल हो जाता है गाइस क्योंकि क्लोज होता है ना काफ़ी, तो बड़ा स्कोप यूज़ नहीं किया करो। मेरे पास 4x अनलॉक है बट मैं रेड डॉट कर रहा हूँ, आप ना बड़ा स्कोप यूज़ नहीं किया करो। अरे सर जी ये क्या कर रहे थे आप, एम लेके खड़े हुए थे जैसे मैं आऊँगा और मुझे तो पता नहीं आप वहाँ खड़े हो। ही फौरन से स्पॉट किया और फौरन से डाउन किया, और ये फिर बदला ले लिया हमसे, बैंड बजा दी हमारी। तो गैस आपने रेड डॉट या 4x यूज़ किया करो, 6x काफ़ी बड़ा हो जाता है, लाइक वो दूर तक जाता है। हाँ उसको 3x बना के आप यूज़ कर सकते हो, बट आप क्लासिक में वैसे नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा ना हुआ, तो आप रेड डॉट यूज़ कर सकते हो, वरना आपका जो है ना स्नाइपिंग वो क्लासिक में ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे 20 किलो गए थे, 9 किलो हमारे टीम मेट के, 12 किलो थे उन लोगों के, इस गेम में वो काफ़ी हल्का चले गए थे। अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं। तो काफ़ी दिन हो गए थे गाइस आपके लिए TDM लेके भी नहीं आया, तो मैंने कहा TDM पोस्ट करना चाहिए। आपका फेवरेट हेडशॉट कौन सा था जो आपको अच्छा लगे ना, टाइम देख लेना वीडियो का, जो आप YouTube पे देख रहे हो उसका वीडियो का टाइम देखना, फिर नीचे कमेंट में बताना कि जो आपने अनाउंस हो जाए इस टाइम पे हेडशॉट मारा था ना वो फेवरेट था, तो वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। और मुझे मेरा दिल कर रहा है मैं कालिया वाला मैच लेके आऊँ दोबारा, और ये हमारी बैंड बच गई जो फ़ौरन से बदला ले लिया गया। तो कालिया का जो सीरीज़ है वो बहुत अच्छी जा रही है, आप लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और अब कालिया की नई एपिसोड आने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कल बनाऊँ, बन गई तो मैं ज़रूर से पोस्ट करूँगा आपके लिए कालिया, कालिया की एपिसोड, मतलब इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगा कालिया बनाने की और आप लोगों को कालिया देखने को मिल सकता है। और ये एक ही किल रह गया था यहाँ पे, अब ये बॉडी शॉट लगा, ओ बाबा जी बच गए बच गए बाबा जी, और यहाँ पे हमें मिली विक्टोरी। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक करके सब्सक्राइब करके और शेयर करके बताने के बाद मुझे कमेंट में बताना, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना अनोनिमस की पब्लिक। और प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, वहाँ हमारे ना 100K होने वाले हैं, और 100K हो गए ना तो फिर मैं आपसे कुछ डेयर पूछूंगा या कोई फनी तस्वीर आएगी ना वो आपको आपके सामने रख के ना लाइक बताऊंगा। अगर आप 100K कर दोगे ना तो मैं उसकी कॉपी करूंगा, लाइक कोई भी फनी पिक्चर लेके मैं रियल में उसकी कॉपी करके वो पिक्चर पोस्ट करूंगा, ऐसा कुछ करेंगे हम इंस्टाग्राम पे जब हमारे 100K होंगे। तो प्लीज़ जाके फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।